आज मैं आपसे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमें सबको पता है एज एंटरप्रेन्योर्स दैट स्मॉलर द रिस्क स्मॉलर द रिवॉर्ड, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। लेकिन हाउ ऑफन आर वी विलिंग टू रियली एक्सेप्ट दैट? कैन यू लुक एट योर सेल्फ टूडे एंड से आर यू विलिंग टू टेक अ रिस्क विच इज वर्थ 5,000 रुपीज, वर्थ 50,000 रुपीज, वर्थ 5 लाख रुपीज, और वर्थ 50 लाख रुपीज, और वर्थ 5 करोड़? दैट्स अ क्वेश्चन यू गो टू आस्क योर सेल्फ, बिकॉज द आउटपुट दैट यू गेटिंग टुडे, जो रिजल्ट्स आपको आज आ रहे हैं, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ रिस्क दैट यू एबल टू थिंक थ्रू, यू गो टू टेक मेंटली। आई हैव लॉन्ग लॉन्ग स्टॉप्ड राइट नाउ, बहुत पहले लॉजिकली रिस्क लिया करते लोग कहते थे मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। हाँ भाई ठीक है, मतलब लॉजिक से रिस्क लेना कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता मेरे लिए। मैं सोचता हूँ कि गट इज वॉट यू नीड टू टेक समटाइम्स, यू नीड टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क बेस्ड ऑल्सो ऑन योर गट। इट डजंट मीन स्टुपिडिटी, बट रिस्क टेकन बेस्ड ऑन गट इज आई थिंक वॉट्स रियली रिस्क, एंड दैट्स वॉट गोइंग टू गिव द रिजल्ट। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस दिस, बट स्टॉप यूजिंग लॉजिक ऑल द टाइम व्हेन यू टेक अ रिस्क। टेक अ रिस्क ऑन गट एंड सी, जंप टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्क एंड सी योर रिवॉर्ड्स जंप टू द नेक्स्ट लेवल एज वेल। थैंक यू।